को रंगे हाथ गिरफ्तार किया, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर ने आरोपी थानेदार को सस्पेंड कर दिया है। कानपुर के कलेक्टरगंज थानेदार को एंटी करप्शन टीम ने 50,000 रुपए की घूस लेते गिरफ्तार किया। टीम ने थाने के अंदर बने सरकारी आवास से रामजन गौतम को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि मकान के विवाद मामले में शिकायत दर्ज करने के लिए थानेदार ने 1,00,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसका आधा हिस्सा यानी 50,000 लेते समय ही एंटी करप्शन की टीम ने दबोच लिया। दरअसल कराची खाना के रहने वाले एक शख्स ने कलेक्टरगंज इलाके में मकान खरीदा था, जिसे वो तोड़वाकर दोबारा बनवाना चाह रहे थे, लेकिन मकान में किरायेदार पहले से रह रहे थे और वो मकान खाली नहीं कर रहे थे, जिसे लेकर उनका किरायेदारों से विवाद हो गया। इसी बात को लेकर उन्होंने थाने में तहरीर दी, तो मुकदमा दर्ज करने के लिए उनसे थानेदार रामजन्म गौतम ने रिश्वत मांगी, जिसकी शिकायत उन्होंने एंटी करप्शन टीम से की। टीम ने जाल बिछा और आरोपी थानेदार रामजन्म गौतम को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया, जिसकी पुष्टि कानपुर के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने की। एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने कानपुर में कलेक्टरगंज थाना प्रभारी को गिरफ्तार किया है। यह ऑपरेशन एक गुप्त सूचना के आधार पर हुआ था। गुप्त सूचना मिली थी कि थाना प्रभारी कलेक्टरगंज रामजन्म गौतम किसी एक व्यक्ति से पैसे की डिमांड कर रहे हैं। एक जानकारी के अनुसार इंस्पेक्टर गौतम के खिलाफ पहले भी मामलों को दर्ज करने और निस्तारण में रुपए लेने की शिकायत आती रही है। कानपुर में ही वो लखनऊ से दारोगा के तौर पर ट्रांसफर होकर आया और फिर इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोट हुए। इसके बाद से कुछ अधिकारियों की छत्र छाया के चलते उसे चार्ज मिलना शुरू हो गया। कलेक्टरगंज से पहले सीसा मऊ में तैनात रहते हुए भी उसके खिलाफ एक मकान पर कब्जा करवाने को लेकर संरक्षण देने का भी आरोप लगा था। उन्हें कोतवाली थाने लाया गया है। वर्तमान में उन्हें पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार निलंबित किया जा रहा है और निलंबित करने के बाद उनके ऊपर विभागीय कार्यवाही तत्काल शुरू की जा रही है। एंटी करप्शन के निशाने पर सामान्य तौर पर अपना ही महकमा नहीं आता था, लेकिन एक थानेदार पर कार्रवाई के बाद पूरे महकमे में हड़कंप मच गया है। रामजन्म की गिरफ्तारी के बाद ये कार्रवाई उन सभी भ्रष्ट आचरण वाले पुलिस कर्मियों के लिए एक नजीर बन गई है। टीम न्यूज़ स्ट्रीट।